ओके लेट्स ट्राई. ऑनोरिफिका बिली टू डी टैटी बस. ऑनोरिफिका टू बिली टू डी टैटी बस नहीं, ऑनोरिफिका बिली टू डी नी टैटी बस. ऑनोरिफिका बिली टिली नू टैटी बस. सही है भाई, सही जा रहा है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिस्ट. आज का सेशन बहुत ही डिफरेंट है, जैसे कि इसका नाम, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बहुत दिलों से जुड़ी हैं ये चीज़. आज का हमारा वर्ड है ऑनोरिफिकेबिलिटी इन टैटिबस. स्कॉलर्स के हिसाब से ये सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है जो शेक्सपियर ने अपने किसी भी प्ले में यूज़ किया है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड यूज बाय शेक्सपियर इन एनी ऑफ हिज प्लेस. और उस प्ले का नाम क्या था? लव्स लेबर लॉस्ट, जिसके अंदर शेक्सपियर ने ये वर्ड यूज़ किया है. इस वर्ड का मतलब बहुत सिंपल है, द स्टेट ऑफ बींग एबल टू अचीव ऑनर्स. अगर आप शेक्सपियर जैसा ऑनर पालोगे, देन यू आर ऑनोरिफिकेबिलिटी इन टैटिबस. अब इस शब्द की कहानी क्या है? देखो, लोगों का मानना है कि फ्रैंकिस बेकन एक आदमी था जिसने शेक्सपियर के सारे प्ले लिखे. दिस वर्ड इज एन एनाग्राम फॉर हिल हु दी एफ बेकनीज नेती तूती और भी. मतलब जितने भी प्लेज हैं, दीज प्लेज एफ बेकन्स ऑफस्प्रिंग. क्या है ये? एफ बेकन के ऑफस्प्रिंग, एफ बेकन के बच्चे हैं. दे आर प्रिजर्व फॉर द वर्ल्ड, वो सब वर्ल्ड के लिए प्रिजर्व हैं. और ये वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का लॉन्गेस्ट वर्ड है, जिसमें कॉन्स्टेंट एंड वॉवल्स ऑल्टरनेटिंग आते हैं. एच कॉन्स्टेंट, ओ वॉवल, एन कॉन्स्टेंट, ओ वॉवल, आर कॉन्स्टेंट, आई वॉवल, ऐसे ही लास्ट तक है. तो ये भी इसमें एक छोटी छोटी मगर मोटी बात है, याद रखना इन बातों को. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वर्ड के साथ या कुछ और नई चीज़ों के साथ. तब तक के लिए बी लॉजिकल. ऑनोरिफिका बिली लिली टूडी ऑनोरिफिका, क्या ही है यार ये, ऑनोरिफिका बिली टूडी नी टैटिबस. ऑनोरिफिका बिली टूडी नी टैटिबस. यस.